भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अरविंद शर्मा फार्मिंग में। तो भैया आज जो है एक नया रोटावेटर आया हमारे गांव में। देखो यो है, कोई नामी कंपनी तो है नहीं पर वाहन बहुत बढ़िया लगा आज का देख के। तो और भी बात पर चर्चा करेंगे, इसकी डिटेल्स कितने का आया, कैसा चला है दिखाऊंगे। पहले तो इनसे पूछ ले ट्रैक्टर वालों से क्या क्या वो है इसकी, कितने का आया, कैसा चल रहा, इन्हें ठीक लग रहा नहीं लग रहा। राम राम भाई। राम राम भैया, ठीक ठाक सर। हाँ जी सब। तो जैसे ये रोटावेटर लिया, पहले था पे शक्तिमान का था? पहले शक्तिमान का था भैया। अच्छा, तो उसमें क्या कमी लगी? कुछ हेडपन कर रहा था ट्रैक्टर पे, दाब ज्यादा गिर रहा था। अच्छा, जैसा मोड़ पे जा लेते तो मोड़ पे जो है ट्रैक्टर दब जाता। अच्छा अच्छा, और वाहन इतना बारीक नहीं बन पाओ था जितना यू बना रहा। अच्छा अच्छा, उसमें जो है ट्रैक्टर की जान खा लेता और वाहन बहुत मोटा रह लेता, गहराई भी नहीं इतनी जावे थी। और ये जो लाए यू है तो मतलब हमें कुछ नामी ग्रामी सी तो लगी नहीं। हाँ वैसे तो कंपनी वालों की है यू, कमी चमके है वैसे तो यू। हाँ, पर हमारे इलाके से मगर तो अभी आई, एक दिन मैं यूट्यूब सी पर नहीं देख रहा था। अच्छा, तो खतौली पड़े हमारा। हाँ यही खतौली एरिया है जी। तो पुल के धो रही है उनकी कंपनी सी। वे हैं भैया डिलेक्स वाले, जो फील्डिंग वालों का भी सामान बेचते हैं कभी कभी। वे फील्डिंग वालों का बेचेंगे। और सबसे बढ़िया बात देखो, इनका ट्रैक्टर मात्र 35 से 40 SB कैटेगरी वाला, मतलब छोटे ट्रैक्टरों में आवा, ऐसा कोई बड़ा ट्रैक्टर नहीं है। और यो भी 7 फुट है उस पर, और चक्कर इतने ज्यादा है। जब ये चलेगी, जब दिखाऊंगा मैं, मतलब मट्टी जो पहियों लो जा रही इसकी। और फिर सबसे बड़ी बात यू है क्या, दामों में बहुत कम है। हाँ जी, वैसे भी मतलब जो प्राइस है शक्तिमान का रोटर जो 1,20,000-25,000 से कम नहीं कोई सा भी। और उसमें एक बात हो रहा है भैया। हाँ जी शर्मा जी, उसमें जो है सब्सिडी के लिए किसान को दर दर भटका करना पड़े। हाँ जी देखो, ऐसा है शक्तिमान की जो कंपनी है वो इतनी चढ़गी, वो सब्सिडी तो देना ही नहीं चाहती किसी को। हाँ, उसका तो मार्केट इतनी है, और ये जो ये है ये नई है। हाँ, तो ये अभी अपनी मार्केट बनाना चाह रही, इसलिए जो मतलब जो कारीगरी दे रही वो बढ़िया दे रही है इसमें। अब देखो इसका यो है, शक्तिमान में तो बस 2 वे आम है पत्ती सी, उनसे ही है। इसमें पूरा टोपलिंग का पीछे लो दे दिया, 4 स्प्रिंग दे दी। देखो ये धड़कता। और भैया अब चला के दिखाऊंगे, देखियो बिल्कुल मट्टी कहाँ लमारी फेंक के। देखो वो जो वो बहाने पर है उसे भी दिखाऊंगा मैं। 2 बर का है वो, और 2 बर के बिल्कुल मलाई बना दिया, जबकि डक्कर खेत है। ये तो प्योर डक्कर, पेड़ी के डक्कर खेत है जी, वैसा ना रेत नहीं है यहाँ जी। तो कितने की आई जी रोटरी वैसे? ये भैया उन्होंने कंपनी वालों ने सब्सिडी पब्सिडी सब अपने धर तक काट के मुझे 86,000 में पड़ी। तो देख लो किसान भाई, 86,000 रुपये कहाँ 1,20,000 रुपये, 40,000 तो यही कमा लिए बताओ। और अभी तो पत्थे पूरे नहीं निखर पाई। और अभी तो देखो ये ब्लेड देख लो, देखो पूरे के पूरे लगभग 97-98% ब्लेड है। अभी तो मानो धार भी नहीं आई बिल्कुल भी, लोड ही पड़ रहा। जिस टाइम ये थोड़े से निखर जाएंगे फिर और ज्यादा ट्रैक्टर खुल के चलेगा। तो भैया एक बार चला के दिखाओ। देखो भाइयों मट्टी देखो इसकी, मट्टी से ही अंदाजा लगा सको कहाँ लो जा रही। देखो टायर टायर पे लग रही है मट्टी, और मट्टी टायर पे जब लगे कम से कम जब 1600-1900 पर गाड़ी पड़ी है। ट्रैक्टर पर कुछ लोड नहीं पड़ रहा, ट्रैक्टर जो फिर चल रहा है। खोद के भी दिखाऊं मैं अब भाई, इसकी गहरी जा रही है ना जा रही। देखो शक्तिमान भी इतना गहरा जा रहा है। देखो भाई अमन ने शक्तिमान का भी चला रखा, देखो वही उतनी गहराई है जितनी जावे है बस, मतलब ज्यादातर रोटरी इतनी जावे 5-6 इंची, इससे ज्यादा नहीं जाती। तो भाई वीडियो जैसी भी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो वीडियो को और लाइक करियो। एक बार टेस्ट जरूर ले पहले, ट्रेन से पहले जब ले, रूटर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी।